मैं भी अच्छा हूँ बेटा। ओके तो मैं क्या बता रहे थे कि लेंचो जो है भगवान को पत्र लिखता है और उसे मात्र 70 पीसोज ही मिलते हैं। लेंचो दोबारा से पत्र लिखता है और बाकी के पैसे की डिमांड करता है, लेकिन इस बार वो कहता है कि आप भगवान जो भगवान आप अब की बार पत्र डाक के द्वारा न भेजें, बल्कि अब की बार आप सीधे मेरे पास भेजें, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी हैं वो ठगों का झुंड है, वो पैसे निकाल लेते हैं। तो इस प्रकार से लेंचो की सिंप्लिसिटी और भगवान के प्रति उसका अटूट विश्वास को दिखाया गया है इस वचन के द्वारा। उस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, ये घर जो था लेंचो का वो पूरे घाटी में एकमात्र घर था उसका, उसके आसपास और कोई घर नहीं। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित। फ्रॉम द हाइट वन कुड सी और नेक्स्ट टू कोरल द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, उस खेत को देख सकता था जो हमेशा अच्छी फसल। थ्रूआउट द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज ए रेनफॉल और एट लीस्ट ए शोर, धरती को एकमात्र चीज की आवश्यकता थी वो किसकी थी, या तो हल्की सी बौछार या एक भारी बरसात की आवश्यकता थी।
थ्रूआउट द मॉर्निंग लेंचो हू न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, पूरी सुबह के दौरान खेतों को अच्छी तरह से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, उसने कुछ नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व की तरफ से आने वाले बादलों को देखने के सिवाय. नाउ रीड व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर. अब हम कुछ पानी प्राप्त करने जा रहे हैं. वो अपनी ओर से कहता है हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर, जो कि रात्रि का खाना तैयार कर रही थी. यस गॉड विलिंग, हाँ जैसी भगवान की इच्छा. द ओल्डेस्ट बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे. द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और छोटे लड़के घर के पास खेल रहे थे. अंटिल द वुमेन कॉल टू देम कम फॉर डिनर, और फिर उस औरत ने उन्हें पुकारा कि आप सब डिनर के लिए आ जाएं. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट हैज लेंचो हैज प्रेडिक्टेड, और जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड की थी, लेंचो ने कल्पना अनुमान लगाया था, तो क्या हुआ कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरनी शुरू हो गई. इन द नॉर्थ ईस्ट हूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग मीन्स आते हुए. उत्तर पूर्व से बड़े बड़े बादल, जो कि कैसे थे, पर्वतों के समान बादल आते हुए देखे जा सकते थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा बड़ी मधुर थी और ताजा थी. द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर समथिंग इन द कोरल फॉर नो अदर रीजन देन टू अलाउ हिमसेल्फ द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. वह आदमी बाहर चला गया, किस लिए, उसका कोई दूसरा रीजन नहीं था बल्कि वो वर्षा को अपने शरीर के ऊपर, वर्षा की बूंदों का आनंद लेना चाहता था. एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, जब वो वापिस आया ही एक्सक्लेम्ड, उसने दावा किया, उसने कहा कि दोज आर नो ट्रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये जो आकाश से गिर रही हैं ये वर्षा की बूंदे नहीं है. दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं. द बिग ड्रॉप्स आर 10 pesos एंड द लिटल वंस आर 5, जो बड़ी बूंद है वो 10 pesos के सिक्के हैं और जो छोटी हैं वो 5 के. विद इज सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लोर्स ड्रैप्ड इन सर्टेन ऑफ रेन. सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन होता है संतुष्टि भरे भाव से उसने पूरे खेत को देखा जो कि वर्षा की चादर से ढका हुआ था. बट सडनली स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगेन टू ब्लाउ, लेकिन अचानक एक तेज हवा चलनी शुरू हो गई. और इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक लाइन मिस है, और वो क्या है कि अलोंग विद द रेन बिग हेल स्टोन बिगेन्स टू फॉल, कि ओले गिरने शुरू हो गए. जैसे ही हवा चली तो हवा के साथ ओले गिरने शुरू हो गए. These truly resembled new silver coins. ये वास्तव में नए चांदी के सिक्कों के समान दिखाई दे रहे थे. वो उनके साथ कंपेयर करता है, ओलों का चांदी के सिक्कों के साथ कंपेयर कर. The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. Pearls होता है मोती. Frozen means जमे हुए, और लेंचो इन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, सॉरी, जो बच्चे थे, लड़के थे, वो उनको कलेक्ट करने के लिए बाहर की तरफ दौड़े. इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बाहर दौड़े. अब जब ओले गिरते हैं तो क्या कहता है, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये वास्तव में बुरा हो रहा है. बरसात हो रही थी अब तक तो ठीक था, लेकिन अब ओले गिरने शुरू हो गए, तो ओले गिर रहे हैं, ये अब अच्छा नहीं है. एक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा, मॉडिफाइड आई होप इट पासिस क्विकली, लेकिन फिर वो कहता है कि नहीं, ये जल्द ही रुक जाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है कि ज्यादा देर नहीं आएंगे. इट डिड नॉट पास
लेकिन ओले जल्दी नहीं रुके। फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। और एक घंटे तक ओलों की बरसात घर पर, बगीचे पर, पहाड़ी वाले क्षेत्र में और पके हुए अनाज के ऊपर और सारी घाटी में होते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, एज इफ मानो कि कवर ढक दिया गया हो साल्ट मीन्स नमक से। और जब ओले गिरकर रुके तो ऐसा दिखाई दे रहा था मानो कि नमक से खेत को ढक दिया गया हो। नोट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, फूलों से पत्ते चले गए। लंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लंचो की आत्मा उदासी से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म When the storm had passed, जब तूफान चला गया, he stood in the middle of the field, वो खेत के बीच में खड़ा हो गया, and said to his sons, और अपने बेटों से बोला, a plague of locusts would have left more than this, कहता इससे बढ़िया तो एक टिड्डी दल आ जाता, तो वो भी कुछ छोड़ जाता। The hail has left nothing, लेकिन ओलो ने कुछ नहीं छोड़ा। This year we will have no corn of beans, कहता कि इस साल हमें कोई भी फसल नहीं मिलेगी। Wait for the next page. ये पेज कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट पेज आपका। अब ओले गिरने के बाद क्या होता है बेटा, सुन रहे हो सभी? यस सर। यस सर। यस सर। क्या बताया अब तक हमने? एक किसान है और उसकी फसल पूरी ओलों से बर्बाद हो गई। आपने थोड़ा तो उसके बारे बारिश आ रही थी जब तो ठीक थी, और वो ओले पड़ गए ना जब खराब थी। यस यस यस। उसकी वजह से उनकी फसल खराब। यस, देखिए द नाइट वॉज ए सोरोफुल वन, सोरोफुल होता है भयानक, रात बड़ी भयानक थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग का अर्थ है कि हमने जितना काम किया लेकिन उसका हमें कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला हमें। बेटा स्क्रैच मत करो स्क्रीन के ऊपर, स्क्रैच मत करिए बेटा। There's no one who can help us. अब कोई भी ऐसा नहीं है हमारे पास जो हमारी सहायता कर सके। But in the heart of all who lived in that solitary house, solitary house होता है अकेला घर, क्योंकि आसपास उसके वहां कोई घर नहीं था, एकमात्र पहाड़ी के ऊपर वही घर था। तो उन लोगों के में जो उस अकेले घर में रहते थे, देर वॉज ए सिंगल होप, एकमात्र आशा थी, और वो कौन सी थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता। डोंट बी सो अपसेट, इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ ए हैंगर। उसकी पत्नी उससे कहती है कि उदास मत हो, यद्यपि सब कुछ
आपका खत्म हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, बट रिमेम्बर, याद करिए, याद रखिए कि नो वन डाइज ऑफ एंगर, कि भगवान किसी को भूखा मरने नहीं देता। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ एंगर, इसीलिए सब कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात के दौरान लेंचो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और वो आशा कौन सी थी? द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड का अर्थ है जैसा कि उसे सिखाया गया है, जैसा कि उसे बताया गया है, कि हुज आइज उसकी आंखें, किसकी आंखें? भगवान की आंखें। सी एवरीथिंग हर चीज को देखती हैं, भगवान की आंखें हर चीज को देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन्स कॉन्शियंस, कॉन्शियंस होता है अंतरात्मा, जैसे हम मन में कोई चीज सोचते हैं, जैसे हम कोई चीज मन में सोचते हैं तो भगवान उसको भी जानता है। डीप माने गहरे, कॉन्शियंस मीन्स होता है अंतरात्मा, अंतरात्मा के अंदर हमारे कोई चीज होती है तो उसको भी भगवान बड़े अच्छे तरीके से जानता है। तो ये बात लेंचो को बचपन से सिखाई गई है कि भगवान जो है सब कुछ देखता है, भगवान सब कुछ देखता है, यहाँ तक कि किसी के मन में कोई गहरी बात होती है, गहरे मन में कोई बात होती है, उसको भी भगवान बड़े अच्छे तरीके से समझ सकता है, जान सकता है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, ओक्स, ओक्स माने होता है बैल, लेंचो एक बैल की तरह काम करने वाला इंसान था। बैल की तरह काम करने का मतलब यहाँ पर है कि वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, कि बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था वो। जैसे बैल जो होता है वो बड़ा ही मेहनती होता है, और उसी के साथ लेंचो का कंपेयर किया गया है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक बड़ा ही मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, खेतों में एक एक जानवर की तरह काम करता था, पशु की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी किसान था तो क्या हुआ, लिखना जानता था। हाउ टू राइट कि किस प्रकार से लिखते हैं, तो लेंचो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले रविवार को जैसे ही दिन निकला, आफ्टर हैविंग कन्विंस्ड हिमसेल्फ दैट देयर इज प्रोटेक्टिंग स्पिरिट, ही बिगन टू राइट ए लेटर व्हिच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद, स्वयं पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद इस बात से कि कोई ऐसी अंतरात्मा है, ऐसी आत्मा है जो उसकी सुरक्षा करेगी, उसने एक पत्र लिखना शुरू कर दिया, जिसे वो स्वयं कस्बे में ले जाएगा और डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, इसमें कुछ नहीं था सिवाय भगवान के नाम एक पत्र के। क्या लिखता है वो कि गॉड, भगवान, ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हैंग्री दिस ईयर, तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखे मरेंगे। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू शो द फील्ड एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता। मैंने आपको कल भी बताया था, पीसोज इज द टाइप ऑफ ए करेंसी, एक मुद्रा का नाम है पीसोज। तो मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, किस लिए आवश्यकता है, कि मुझे अपने खेतों को दोबारा बोना है, क्योंकि अब तो फसल मेरी खराब हो गई, और जब तक कि मुझे अगली फसल आए तब तक पहले तो मुझे खेत बोने हैं,
और उसके बाद जब तक अगली फसल आए तब तक मेरे परिवार के भरण पोषण के लिए, मेरे परिवार का गुजारा चलाने के लिए मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है, बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि ओले ओले, बिकॉज द हेलस्टोन, क्योंकि ओले। अब इस बात को यहीं पे छोड़ देता है, वो पूरी बात नहीं बताता भगवान को कि ओले गिर गए, क्यों नहीं बताता, इस बात को यहीं छोड़ दिया, क्योंकि वो जानता है कि ओले जो हैं वो गिर गए हैं, उसकी फसल खराब हो गई है, तो भगवान को बताने की क्या जरूरत है, भगवान तो सब कुछ जानता है। इसलिए उसने इस बात को यहीं पे छोड़ दिया, पूरी बात उसने नहीं लिखी। पत्र में क्या लिखा बेटा कि उसकी फसल है वो बर्बाद हो गई और उसे उसके लिए 100 पिसोज की आवश्यकता है उसके। इफ यू डोंट हेल्प मी, कहता है कि यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, यदि आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो इस साल मैं और मेरा परिवार भूखा मरेंगे और मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। किस लिए? इन ऑर्डर टू शो द फील्ड, क्योंकि मुझे खेत दोबारा से बोने हैं और जब तक अगली फसल आती है तब तक, क्योंकि ओलों ने, और जैसा कि बता दिया है कि ओले गिर गए हैं तो ये बात बताने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज नो नीड टू टेल द गॉड बिकॉज ही नोज एवरीथिंग, क्योंकि भगवान सब कुछ जानता है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। He wrote to God on the envelope, उसने पत्र के बाहर क्या लिखा? टू गॉड। टू गॉड का मतलब होता है किसके, किस किसे मिले? भगवान को मिले। ऑन द envelope, envelope होता है लिफाफे पर, लिफाफे पर उसने लिखा कि टू गॉड, कि ये पत्र किसे मिले? भगवान को। पुट द लेटर इनसाइड, इसने पत्र को अंदर डाला, लिफाफे में डाला। स्टिल ट्रेबल्ड, फिर थोड़ा सा झिझकते हुए। वेंट टू टाउन, वो कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैंप ऑन द लेटर, उसने जो लेटर था उसके ऊपर एक स्टंप लगाई। स्टंप होता है टिकट। टिकट क्या होती है कि जब टिकट लगाते हैं तो पत्र आगे पहुंचता है, अगर टिकट नहीं लगाएंगे तो उसको बैरिंग लेटर बोला जाता है। तो ये उसका एक कोस्ट होता है, उसकी एक कीमत होती है टिकट की। टिकट कितने रुपए की है उसी हिसाब से, कितना वजन है लेटर का, कितना बड़ा है उसी हिसाब से उस पर टिकट लगाई जाती है। तो ये उसका एक फेयर होता है, किराया होता है पत्र जाने का। तो उसने उसके ऊपर एक स्टंप लगाई, टिकट लगाई ऑन द लेटर पत्र पर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। मेल बॉक्स क्या होता है, उसमें बहुत सारे पत्र होते हैं, सभी ले जाकर उसमें डाल देते हैं और उसके बाद क्या किया जाता है, उसको खोला जाता है, उस पर एक ताला होता है और उसको खोला जाता है। खोलने के बाद उनको अलग अलग जो जगह है वहां पर उनको छांटा जाता है कि ये पत्र नारनौल जाएगा, ये दादरी जाएगा, ये सपनाली जाएगा, ये दिल्ली जाएगा। तो उसको अलग अलग छाटा जाता है उन पत्रों को। जो दिल्ली जाने वाले लेटर हैं उनको एक तरफ कर दिया जाएगा, नारनौल जाने वाले हैं उनको एक तरफ, जयपुर जाने वाले हैं उनको एक तरफ कर दिया जाएगा। तो सभी को अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उन पत्रों उनकी जो जगह है वहां पर उनको भेज दिया जाता है। तो आगे क्या हुआ कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज होता है कर्मचारी, वहां पर जो डाकघर था वहां पर एक कर्मचारी था, तो वो जो कर्मचारी था उसने पत्रों को देखा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, जो एक डाकिया था, ऐसे जो पत्रों को एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर पहुंचाता है। जैसे किसी गांव में एक डाकिया है तो वो घर घर जाकर पत्रों को ले जाएगा, लेकिन वो डाकिये के साथ साथ और क्या था, वहां पर वो हेल्प भी करता था, पोस्ट ऑफिस में वो थोड़ी हेल्प भी करता था। अब क्या हुआ कि
he went to his boss. थोड़ी प्रॉब्लम बेटा, एक मिनट रुकिए, थोड़ी फोन प्रॉब्लम है। तो हम कहाँ तक पढ़ रहे थे कि वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वाज ए पोस्टमैन, वहां था वो एक डाकिया था और डाकिया के साथ साथ वो पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था। Went to his boss. वो अपने बॉस के पास गया laughing heartily. Laughing heartily, बड़े जोर हंसने लगा। क्यों हंसने लगा? जाएगा ये मुंबई जाएगा, ये नारनौल जाएगा, लेकिन इस पर क्या लिखा था कि to God, ये भगवान के पास जाएगा। तो इस बात को देखकर उसे हंसी आ जाती है, इस बात को देखकर उसे हंसी आ जाती है कि इस लेटर को मैं कैसे पहुंचाऊं। तो वो अपने बॉस के पास जाता है कि बॉस देखिए ये पत्र आया है कि भगवान के, तो इस पत्र का मैं कैसे करूं, कहां भेजूं मैं इसको। इस पत्र को मैं कैसे भेजूं? तो went to boss laughing heartily and showed him the letter. वो जोर जोर से हंसते हुए उस पत्र को अपने बॉस को दिखाया। Never in his career as a postman, अपने पूरे जीवन में अपने सेवा काल के दौरान उसने इस प्रकार का कभी कोई पत्र नहीं देखा था। पहला उसका ऐसा पत्र था जो भगवान के नाम वहां पर आया था, उसने अपने कैरियर में ऐसा लेटर कभी नहीं देखा। दो पोस्टमास्टर था, वो एक मोटा था व्यक्ति था और वो भी हंसने लगा, वो भी हंसने लगा। ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंस पड़ा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, लेकिन इसके साथ ही वो सीरियस हो गया और पत्थर पर थपकी देते हुए बोला, कमेंटेड, उसने टिप्पणी की, व्हाट फेथ, कि क्या विश्वास है, कितना विश्वास है। आई विश आई हैड फेथ टू द मैन हु रोट दिस लेटर, मेरी ये इच्छा है कि काश की ऐसा विश्वास मेरा भी भगवान के प्रति होता, तो मैं भी क्या करता, उसके साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर देता। तो बेटा आज के लिए बस आपका इतना ही, और बाकी का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, बाय सर। एक मिनट बेटा, अटेंडेंस लेने दीजिए मुझे, आपकी अटेंडेंस लेने दीजिए एक बार, अभी लेफ्ट मत कीजिए। अब बोल।
सर सर बोलिए बेटा क्या बात है सर। प्रियंशी बहन भी थी अभी अभी। प्रियंशी? हाँ हाँ प्रियंशी पता है, प्रियंशी डेली क्लास लेती है। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर।